नमस्कार। श्रीमद् भागवत महापुराण में आपका स्वागत है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है, उसके लिए कौन सी विधि है। भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी, जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहां धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए प्याऊ, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धुतिमान, मेघावी, सुकृत तथा धृष्टबुद्धि। धृष्टबुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए ललायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर बोला, ब्रह्मन, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी का उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी, मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। तो धन्यवाद। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।